देखा मालूम पड़ा निबोल नीचे। हाय, सो फाइनली हमने नहा लिए और मजा आया। अभी टेम्परेचर जैसा आज का टेम्परेचर था उस हिसाब से तो काफी मजा आया यार सच में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तरह तरह के झाड़ है, दरख्त है जिसको आप पौधे कहते हैं, पौधे नहीं मतलब प्लांट कहते हैं। तो पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये है रामफल, आई मीन सॉरी रामफल नहीं, ये फनस, राइट। हाँ, इसे फनस कहते हैं इंग्लिश में इसका वर्ड जो, ये है फनस। हाँ, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं जैक फ्रूट। ये है जो इसी की सब्ज़ी भी बनती है और खाने में काफ़ी टेस्टी है और हमारे घर पे भी कई बार लाया गया है। और दादी जब हम लोग दादा दादी था उस टाइम थे तो ज़्यादा हम लोग बनाते थे इसे, मुझे तो हमारे घर पे भी पता नहीं, लेकिन काफ़ी टेस्टी है ये जैक फ्रूट। और इसका प्लांट ऐसा होता है, इसके पौधे के ये इसकी पहचान ये है ग्रीन शेड में, ये ऐसे पता नहीं ऐसा कुछ है। ओके, एनीवे, तो अब आगे चलते हैं हम व्लॉग में और व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो ये है भाई, हमने जैसे बताया कि यहाँ पे नींबू का झाड़ है, छोटे छोटे हरे हरे से नींबू। और ये देखिए नींबू को इस धुपकाले में, धुपकाला जो जिसे बोलते हैं हम, इसका नाम होता है समर, समर में पानी बहुत देना पड़ता है नींबू को। वैसे भी नींबू को ज़्यादा इस साइड तो सब नींबू के झाड़ है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखे कि ये जाम का झाड़ भी है पीछे से, आमिर भाई ने कुछ नींबू भी लिए इफ्तारी के लिए कि भाई आज नींबू का शरबत बनाएंगे इफ्तारी में और उसी को उसी से शरबत पिएंगे। ओके, अभी मज़ा आया लेकिन आज हम लोगों को, और काफ़ी दिन भी अच्छा लगा था। और नहाए बाद तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए कि भाई पूछो मत, वो जो मज़ा है स्विमिंग पूल स्विमिंग करने का, यहाँ तो स्विमिंग नहीं कर गया था, यहाँ तो स्विमिंग नहीं कर पाए, बट हम मज़ा आया। और जैसे कि मैं आपको बुला रहा था नहा उस टाइम नहाते नहाते बताया कि यहाँ पे पुदीने का भी झाड़ है, आई मीन छोटे छोटे पौधे होते हैं पुदीने के, एकदम प्लांट नहीं होती बड़ी बिगेस्ट। हाँ, ये है पुदीने का झाड़ और वीडियो में बताता हूँ आपको कंटिन्यू। तो भाई ये है पुदीना के छोटे छोटे झाड़ पौधे, माशाल्लाह माशाल्लाह नेचर। तो इस तरह से पुदीना होता है, ये पुदीने की चटनी को अगर आपको तोड़ना है तो ऐसा तोड़े, छोटे छोटे ऊपर के टहने तोड़े, ऐसा हरा हरा ऊपर का कच्चा कच्चा सा बना लेता हूँ। छोटा छोटा सा पुदीना खाएंगा भाई। हमने लिए भाई घर के लिए पुदीना और घर पे पेरने के लिए भी पुदीने लिए। उमेर भाई का कहना है कि जड़ से पुदीना ले लो और घर से पुदीना ले लो और घर पे पेर लो तो वो घर पे इजीली लग जाएगा। तो हमने भी घर के लिए कुछ जड़े टाइप कुछ जड़ों में से पुदीना ले लिए और घर के लिए पुदीने की चटनी बनाने के लिए भी पुदीना ले लिए। अब यहाँ से अब जाना है घर, असर का टाइम हो गया। वैसे मैंने असर की नमाज़ पढ़ के आया था आज अबल, लेकिन अफ्तार वगैरह की तैयारी करना है तो घर जल्दी जाना है। तो अभी यहाँ से सीधा घर जाना है, घर के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद तरावी, तरावी के बाद घर जाके खाना वगैरह। तो इसी में पूरा दिन शाम रात चले जा रही है, अफ्तार हो रहा है। तो आज पाँच रोज़े कंप्लीट हो गए, पता नहीं चल रहा रोज़े भी कितने जल्दी जा रहे आ रहे हैं। तो अल्लाह सबका खैर करे, सभी के रोज़े कबूल फरमाए। तो ठीक है, व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ से घर जाने की तैयारी करते हैं। तो अभी व्लॉग में मिलेंगे। हाँ, तो अभी जगह पे तो रहे आमिर भाई। तो ठीक है, व्लॉग कंप्लीट करते हैं, अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर, अफ्तारी का टाइम हो गया। तो उमेर मेरे साथ है, उमेर भी घर जा रहा है। आमिर भाई आपका क्या प्लानिंग है, अभी घर चलते नहीं क्या? तो चलो बैठो, अभी नींबू ले लिए क्या? अरे एक नींबू, 10-12 तोड़ो क्या यार। आमिर भाई ने भी एक ही तोड़े अभी नींबू। आज मोबाइल ऐसी रहेगा, ऐसा ही व्लॉग बनेगा, वो पूरे का काम होगा। नवा काम खुला। सो देखिए गाइस, ये है गेहूं, बहुत इजीली यहां पे हमारे पास है,
देखने जैसा, इजीली मिलता है हमें गांव में। और आमिर भाई गेहूँ नहीं तोड़ो मत ना, पूछ के तोड़ना था ना यार। देखिए गाइस ये है गेहूँ, अभी पूरा सूख गया है। और ये है, ये लहसुन है क्या, कांदा है क्या, हाँ ये पूरा कांदा है इस साइड में। और हमारा यहाँ से घर है रास्ता, तो ये गेहूँ अभी सूखने जैसा है। और एक कितने एक दो रोज में आ जाएगा गेहूँ, नहीं अभी आधे घंटे में निकाल सकते क्या, नहीं निकल गया, सूख गया होगा ना। सो आमिर भाई ये लीजिए हमारा कैमरा, आप पकड़ लीजिए प्लीज। हाँ वीडियो को कंटिन्यू, डोंट चेक इजी ओ खाओ जी बेटा। अरे ओ ठंडा ठंडा है रे भाई, ठंडा ठंडा है, इफ्तार कर रहा है डैडी के साथ। डैडी के साथ इफ्तार करता। अच्छा अच्छा सेब खाता, सेब डैडी का बेटा क्या खा रहा है, डैडी का बेटा हो गया। इफ्तार होते से अब जाना है नमाज को, वजू भी कर लिए है, तो खेत में आने में काफ़ी लेट हो गया। मैं अफ्तारी भी करना बाकी था, इसलिए अफ्तारी के लिए भी लेट हो गया मैं। तो अफ्तार करे बाद जैसे हमने वीडियो में देखे कि अफ्तार करे बाद हम जा रहे हैं अब नमाज के लिए, तो अब नमाज पढ़ के सीधा मेडिकल। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फाइनली आज हमारा रोज़ा हो गया और इफ्तार भी हो गई। और आज अब नहाने के बाद अब थकावट लग रही है भाई, कि वहाँ पे जो जितना नहाए हम लोगों ने उसके बाद अब टायर्ड ऐसा लग रहा है कि भाई अब थके जैसे लग रहे हैं। और ये सब माल लाया हो, ये मेरा पूरा मेडिकल है, आपको कभी व्लॉग में इंशाल्लाह भी कभी बताऊँगा कि मेरा पूरा मेडिकल बताऊँगा कैसा है क्या है, तो मैं भी कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेडिकल मैंने कितने साल एक्सपीरियंस किए, ये सब मैं ब्लॉग में इंशाल्लाह कभी फिर कभी बताऊँगा। आज तो बस छोटा सा प्लान था कि भाई चलो ऐसा ऐसा करना है, तो ये ब्लॉग में आपको भी इतना ही देखने रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी थैंक यू।